ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭੀ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी लाइन में चल रहे हैं। तो सभी मेरे, मैं कहती हूँ इनसे मैं प्यार करती हूँ, ये सभी मेरे से प्यार करते हैं, परमात्मा करके ऐसे ही प्यार हमारा बढ़ता रहे और बहुत प्यार बढ़े हमारा। और दिल से चाहते हैं कि हर एक किसी का भला हो, हर एक किसी को दुआएं लगें, और इसके इसी काम के आगे आगे लोगों के घर जो बस रहे हैं या लोगों की दिखते हैं सुनते हैं तो उनकी परेशानियों को दूर होती हैं, तो खुशी मिलती है। लोग जब कहते हैं कि मैम हमारा ये काम हो गया, मैम हमारा वो काम हो गया, तो इसके पीछे मैं तो क्या हूँ, करने वाला तो वो परमात्मा ही है, लेकिन जरिया बना देता है कि किसी के लिए गलत ना करते हुए हम सही करें। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ज्योतिष का काफ़ी जगह पे क्या हो गया, नाम बदनाम भी हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कई जगह पे ऐसा हो गया कि ज्योतिष पे लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया, और कई जगह पे ऐसा हो गया कि ज्योतिष जरूरी भी है, कि हर एक इंसान की अपनी एक फिसरत होगी, कि हर एक इंसान चाहता है कि ज़िंदगी के अंदर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला सही नहीं मिलता, तो उसकी वजह से क्या होता है, परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं और लोगों का विश्वास ख़त्म होता चला जा रहा है, जो मैंने देखा है। क्योंकि विज्ञान ये है तो एक साइंस है, विज्ञान है, लोगों के घर बचाती है, लोगों के घर उजाड़ती नहीं है ना। कहते हैं विज्ञान तो हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता, लेकिन ये विज्ञान को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव कर दिया। जैसे कि तांत्रिक आ गए तो नेगेटिव, या कोई चीज़ें ऐसी होगी तो नेगेटिव, कि लोगों को एक डर सा, जैसे कहते हैं ना, वो मन में बैठने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब ज्योतिष क्या है, ज्योतिष अगर आप देखा जाए तो बच्चे का जब जन्म होता है तभी उसकी कुंडली लिखी जाती है, है ना, कि उसी के अंदर उसके ग्रह पहले लिखे जाते हैं। तो पहले ही जब हमारे बच्चे का जन्म होता है, फटाफट हम क्या करते हैं, पहले पंडित जी से पूछते हैं गंडमूल में तो नहीं है। आजकल तो खैर वो प्रेट जब होते हैं तो पहले ही पूछ लेते हैं कि गंडमूल यहाँ के टाइम निकलवा देते, पंडित जी हमारा टाइम निकाल दीजिए, गणमूल में तो नहीं। तो ये क्या है, एक ज्योतिष तो है कि आपका घर सेफ होना, कि अगर बच्चा गणमूल में है तो कल को आपको परेशानियां आएंगी, अगर गणमूल में है तो बच्चा कामयाब नहीं होता, अगर गणमूल में है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये हमारी स्टार्टिंग बेस है, यानी कि, है ना, कि जब तक हमें बच्चे का नामकरण करना है, उसका नाम क्या लक्की होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, किसके लिए क्या स्टार उसके हैं। लोग क्या कहते हैं, जो कई बार मैंने क्या सुना है कि हाँ जी मैम हमारी राशि बता दीजिए, हमारा नाम फलाना है जी, फलानी राशि बता। अरे राशि ऐसे नहीं होती, राशि का एक मतलब होता है, राशि का एक महत्व होता है। राशि आपकी जो टाइम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि तय की जाती है लोगों का, क्योंकि पूरी जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं है ना, तब तक हम अंधेरे में हैं। जब ज्ञान आ गया ना तो खुद ही इंसान ज्योतिष बन जाता। दर्शकों, जैसे नीतू जी ने हमें बताया कि गणमूल से बच्चों के जीवन में प्रभाव पड़ता है, जब बच्चा पैदा होता है तो गणमूल पे देखते हैं, तो हम नीतू जी से इस पे बारे में विचार करेंगे कि इससे बच्चे के जीवन में और उनके माँ बाप पे और साथ रहने वाले लोगों पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। नीतू जी, आप हमें इस पर थोड़ा सा ज्ञान दें। बताऊँ क्या है बेटा, जब गणमूल होते हैं बच्चे तो अक्सर में तो लोगों को आजकल खैर काफ़ी कुछ पता चल गया कि लोग पूछने लग गए अपने बच्चे को लेके, काफ़ी ज़्यादा लाइटनी नहीं लेते कि बच्चे के बारे में, लेकिन फिर भी इसका कई लोग नहीं पूछते कि हाँ भी कोई बात नहीं। कई बार मेरे पास कस्टमर काफ़ी आते हैं जो बचपन से उनको गणमूल था, लेकिन अब उनको जाके पता चला कि हमारी कुंडली के अंदर गणमूल है। लोग क्या करते हैं कि जो देखने वाले वो एक चीज़ को ही देख के गणमूल बोल देते हैं, हालांकि इसके अंदर तीन चार चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद पता चलता है कि प्रॉपर वे में गणमूल है या नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का गणमूल पहले करवाया नहीं तो किसी के पापा को कोई दिक्कत आ जाती है, किसी के बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाती है, किसी के नान के परिवार में कोई दिक्कत आ जाती है, किसी का जो फेस होता है बेटे का या बेटी का वो देखना नहीं होता पापा ने,
तो अक्सर क्या होता है, बच्चा होता है तो बाप पहले ही भाग के जाता है कि मेरा बच्चा हो, नेचुरली होता ही है। तो ये चीज़ें अगर हम पहले पूछ लें तो फिर करना कुछ नहीं होता, सिंपल सी बातें ही होती हैं कि जैसे दुपट्टा दे दिया बेटे के फेस पे या बेटी के फेस पे ना देखे, या किसी के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़ जाए, जब बच्चे पे ही ना गलत प्रभाव पड़ जाए, जब बच्चा माँ के लिए भारी ना हो, जब बच्चा बाप के लिए भारी ना हो, जब बच्चा अपनी फैमिली के लिए भारी, बस ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख लें तो इंसान की लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर ना ध्यान में रखें तो कल को आने वाले टाइम तक बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, कईयों के बिजनेस नहीं चलते, कईयों का कुछ हो जाता है, बहुत सी बातें होती हैं इसके पीछे। कहते हैं एक टॉपिक के पीछे बहुत राज है। लोग तो सिर्फ एक सिंपल बोल देते हैं गंडमूल, लेकिन इसके पीछे देखा जाए तो देखो जो आज मेरे पास काफ़ी लोग बड़े बड़े आए हैं, जैसे आज उनकी 40 40 साल एज हो गई, 30 30 साल एज, उनको यही नहीं पता था कि हमारी कुंडली के अंदर गंडमूल है, लेकिन उनकी कुंडली सही नहीं है। लेकिन मेरे पास ना एक स्कैनर है, उससे मैं ज्ञात कर लेती हूँ कि इनको गंडमूल है या नहीं है। अगर वो शक्तियाँ मेरे को बता देती है कि इनके ऊपर गंडमूल है, तो वो पता चल जाता है, उसकी पूजा हो जाती है, या जो भी उसका उपाय होगा वो इजीली हो जाता है। अगर नहीं है तो उसको बता दो नहीं है। कई लोगों को ऐसे ही बताया जाता है, नहीं नहीं है तेरे ऊपर गंडमूल, वो भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सही मायने में ज्ञात होंगी ना, तो मैं कहती हूँ उस बच्चे की लाइफ और उस परिवार की लाइफ अपने आप ही सही हो जाती है। नीतू जी, सही मायने में गंडमूल का पता कैसे चल सकता है? बेटा देखो, सही मायने में गंडमूल जो होता है वो बच्चे के टाइम, डेट ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से पता चलता है। या ये होता है कि उस टाइम का जो लग्न है या उस टाइम का जो टाइम चल रहा है, क्या वो गंडमूल का चल रहा है कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हो रहा है, क्योंकि ये कोई सारा दिन नहीं रहता गंडमूल, या हर एक की कुंडली में नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम की स्थिति देखनी पड़ती है कि इस टाइम कौन सी राशियां चल रही हैं, कौन से लगन चल रहे हैं, कौन सा इस टाइम गंडमूल का टाइम तो नहीं चल रहा, जैसे कहते हैं ना कि राहु काल चल रहा है, जैसे ऐसे गंडमूल का भी एक स्थिति और एक टाइम है। तो उस टाइम का होता है कि हमें वो चीज़ का हमें पूछना पड़ता है कि इस टाइम बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो भी पूछ लो। अगर आपको टाइम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आजकल तो डॉक्टर पहले दे देते हैं ना कि आपके डिलीवरी टाइम ये वाली डेट क्या है, तो पहले पूछ लो कि उस दिन उस टाइम में कोई गंडमूल का टाइम तो नहीं है। अगर होगा आगे पीछे का, अगर जैसे ऑपरेट कराना है तो आगे पीछे हो जाता है, अगर नॉर्मल वे में हुआ बच्चा वो तो लग पाता है। जैसे कि आजकल जैसे टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कहते हैं विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, पहले तो खैर पता ही नहीं चलता था बच्चा कब होना, बिल्कुल कैसे सही। होना है ना, और आजकल के टाइम में तो पहले ही डॉक्टर भी डेट दे देता है कि हाँ भी इस टाइम आपकी डिलीवरी डेट है जी, आ जाना। तो उससे पहले आप पता कर लो कि उस टाइम में कोई गंडमूल का टाइम तो नहीं है, अगर होगा तो आगे पीछे की जाते, नहीं तो परमात्मा की बाकी तो देन है, अगर हुआ तो उसका उपाय हो जाता है। सिंपल सी बात है, और इसमें डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन इसमें बचने वाली बात है कि पूछ के अगर काम कर लिया जाए तो अच्छा लगता है, अपने लिए भी, हित के लिए भी अच्छा, अपने परिवार के लिए भी अच्छा, अपने बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा। अगर नहीं पूछा तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की सेहत को भी परेशानी, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को, कोई हाँ जैसे बोल दिया पीलिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ना। अगर पापा के या कोई बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, या माँ के लिए तो उसको उसकी तबीयत को कुछ ना हो जाए, या नानके के लिए तो उसको कुछ ना हो जाए, तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ जैसे होती है, छोटी छोटी स्थितियाँ, लेकिन इसके पीछे के जो राज है ना वो बहुत गहरे हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए बहुत परमात्मा ने छोटी छोटी चीज़ें दे रखी है, उससे इंसान ठीक हो जाता है। बिल्कुल इतना सही है नीतू जी, जैसे आपने बोला कि इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, मतलब इसका सारी उम्र इफेक्ट रहता है कि इसका थोड़ी टाइम के लिए होता है? देखो बच्चे, जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया है ना, प्रभाव तो तभी से शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन और अगर इसका अगर हम उपाय ना करें तो फिर ये सारी उम्र के लिए प्रभाव में फिर ग्रस्त रहना पड़ता है, टेंशनों में रहना पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ क्या है। और बच्चे की विवाहित जीवन पे भी इसका प्रभाव रहता है? हाँ जी, क्योंकि ये आपका, जब तक आप उपाय नहीं ना करोगे इस चीज़ का, तो तब तक इसका उपाय, चाहे शादी कर लो चाहे लाइफ की आगे तक पार्ट चलता रहता है, उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा, परेशानियां उसको उलझता कोई ना रहेगा, कोई उलझने चलती रहेंगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, या पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, या कई बार नान के कहेंगे हमारे साथ हो क्या रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि हमने तो
कुछ ऐसा किया नहीं, या हमसे तो कोई, कई बार लोग कहते हैं हमने तो इतनी पाठ पूजा की भक्ति की, बिल्कुल, तो बिल्कुल. हमारे बच्चे के साथ थोड़ी कुछ हो सकता है. तो वो जो ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे ना. तो वो चीज़ है, चाहे शादी कर लो, चाहे बच्चा होते ही उसकी अगर आपको पता है तो उसका उपाय कर लो तो बेस्ट है. नहीं तो शादी होने के बाद भी अगर आपको पता चलता है ये उपाय, तब भी करना पड़ेगा. कहते चाहे बुजुर्ग भी हो जाओ ना, जब अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं किया आपको तब भी पता चल जाए, मैं कहती हूँ तब भी आप अपना उपाय जरूर करो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज बदल जाती कैसे है. आया, हाँ क्या नहीं आया. हाँ कि कैसे, अब कईयों कईयों का मैंने ऐसा देखा है कि उसकी माँ बच्चा होने के बाद बीमार ही बीमार रहती है, लेकिन वो दवाइयाँ भी ले लेती है, मेडिसिन भी लेती रहती है, फिर भी ये सोचती है मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही. हाँ कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही, मैं बीमार क्यों हो रही हूँ, ना ही कोई रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, फिर भी मैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है. तो लेकिन वो चीज़ इसके पीछे होता है कि हो सकता है बच्चा माँ पे भारी हो. ये टॉपिक होते हैं ना, कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक पे, बच्चा खुद पे भी भारी हो सकता है, माँ पे भी होता है, बाप पे भी, जैसे कहते हैं ना, कि ऐसे अलग अलग टॉपिक है. कई बार नानके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कईयों के घर ख़त्म हो जाते हैं, इतनी स्थिति भी होती है गंडमूल के पीछे की. तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर पहले पूछ ले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से. ठीक है, बाकी तो परमात्मा के हाथ है. बाकी तो कहते हैं ना, वो करने कराने वाला तो वही है, वही लेकिन है. हम लोग एक जरिया बने हुए हैं तो सही गाइड करेंगे कि हाँ भी आप ऐसा कर लो, बच जाओगे ना, परेशानी खुद को ना, बच्चों को ना, फैमिली को, किसी को भी ना हो, ये सारे खुश रहें, बस इतना सा है. और इतने में ही ज़िंदगी संवर जाती है. बिल्कुल. अगर संवारनी है तो एक सेकंड की बात है, बिगाड़नी है तो सारी ज़िंदगी लगे रहते तो भी बिगड़ी रहती है. संवरने में एक सेकंड लगता है, बस इतना सही है. दर्शकों, ये हमारी बातचीत थी गंडमूल के बारे में नीतू जी के साथ. इन्होंने बताया हमें कि गंडमूल से बच्चे के ऊपर और उनके माता पिता पर, नाना नानी दादा दादी पे क्या इफ़ेक्ट करता है. नीतू जी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, आपने हमें इतना जानकारी दी है. अगर आप लोग इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ उठाएं. दर्शकों, अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. धन्यवाद.